हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मेरा टॉपिक है मिसिंग नंबर सीरीज। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है बैंक के एग्जाम में, जिसका वेटेज है मिनिमम 5 मार्क का वेटेज है, मैक्स टू मैक्स 10 मार्क का वेटेज है। इसलिए प्रॉपरली ध्यान दीजिए कि मैं कैसे क्वेश्चंस सॉल्व करता हूँ, ठीक है। टोटल 5 क्वेश्चंस लेकर आया हूँ, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फॉर SBI क्लर्क प्री एग्जाम, ठीक है। देखिए पहला क्वेश्चन क्या बोला है, 180, 185, 193, 207, 233 एंड मिसिंग टर्म। सीरीज इंक्रीजिंग ऑर्डर में चल रही है और काफ़ी कम डिफरेंस देखने को मिल रहा है, तो हम लोग सबसे पहले क्या चेक करेंगे, डिफरेंस पैटर्न चेक करेंगे, ठीक है। पहले डिफरेंस लेते हैं, 5 का डिफरेंस है, यहाँ पर डिफरेंस है 8 का, यहाँ पर डिफरेंस है 7 माइनस 3 6, यहाँ पर कितने डिफरेंस है, 14 का डिफरेंस है, ठीक है। और यहाँ पर कितने 30 माइनस 7 या 6 का डिफरेंस है, यहाँ 26 का डिफरेंस है, ठीक है। ठीक है, अभी देखिए 5, 8, 14, 26 कुछ समझ में आ रहा है क्या चल रहा है पैटर्न। अगर मैं आपको बोलूँ कि सिंगल डिफरेंस में, अगर आपको आंसर समझ में नहीं आया तो डबल डिफरेंस लेके चेक कर सकते हो आप लोग। यहाँ 3 का डिफरेंस है, यहाँ 6 का डिफरेंस है, यहाँ 12 का डिफरेंस है। अभी आप लोग ऑन द स्पॉट समझ में आ गया होगा, ये 3 का टेबल चल रहा है, 3, 2, 6, 3, 4, 12 ऐसा भी चल सकता है, फिर 3 का डिफरेंस, 6 का डिफरेंस, ठीक है, 3 का डबल, 6 का डबल, 12 ऐसा भी चल सकता है, ठीक है। आप कैसा भी अपना पैटर्न फाइंड कर सकते हो। अभी 12 का डबल कितना है, 24 आता है, 3, 2, 6, 6, 2, 12, 12, 2, 24, 26 + 24 कितना होता है, 50 होता है, ठीक है। 50 इसमें ऐड किया तो 283 आ जाएगा। तो मेरा पहला क्वेश्चन आंसर कितना मिला, 283। काफ़ी इजी क्वेश्चन था, करें सिंगल डिफरेंस लिया 5, 8, 14, 26, तो अगला जो है 50 आएगा, तो 233 में 50 ऐड किया तो 283 मिला मुझे। चलते अभी हम लोग सेकेंड क्वेश्चन की तरफ, 160, 82, 84, 128 मिसिंग टर्म, 647। अभी देखिए 160 का जो है हाफ की वैल्यू के आसपास की मुझे वैल्यू दिख रही है, 80 के आसपास, 80 का जो है कांस्टेंट के आसपास की वैल्यू दिख रही है, और 84 का जो है डेढ़ गुना के आसपास की वैल्यू मुझे 120 के आसपास की दिख रही है। तो मुझे शायद पैटर्न समझ में आ गया कि पैटर्न चल क्या रहा है। 160 का अगर मैं हाफ करूँ तो 80 आता है, 80 में अगर प्लस 2 करूँ तो मुझे 82 मिलता है, कन्फर्म। 82 का अगर 1 से मल्टीप्लाई करूँ, प्लस 2 करूँ तो मुझे 84 मिलता है। 84 का अगर मैं 1.5 से मल्टीप्लाई करूँ तो मुझे 126 मिलता है। 126 में अगर मैं 2 प्लस करूँ तो मुझे 128 मिलता है। 128 को अगर मैं सपोज हाफ से मल्टीप्लाई किया, या 1 से मल्टीप्लाई किया, 1.5 से मल्टीप्लाई किया, यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई करोगे ना, तो यहाँ पर मुझे कितना मिलेगा, 256 मिलेगा। 256 में 2 ऐड किया तो 258 आ जाएगा, है कि नहीं। तो मेरा सेकंड क्वेश्चन आंसर क्या मिला, 258। क्या मिला सेकंड क्वेश्चन आंसर, 258। आई होप सब लोग प्रॉपरली समझ में आ गया। चलते हैं अभी हम लोग थर्ड क्वेश्चन की तरफ, मिसिंग टर्म 334, 166, 82, 40, 19। ओके, अभी देखिए 334 का हाफ की वैल्यू दिख रही है मुझे 166 के हाफ की वैल्यू मुझे 82 के आसपास की वैल्यू दिख रही है, 82 का हाफ की वैल्यू पास मुझे 40 के आसपास दिख रहा है, 40 का हाफ 20 होता है, 20 के आसपास की वैल्यू मुझे 19 दिख रही है, ठीक है। अगर मैं सबको 2 से डिवाइड कर देखूँ तो 2 1 2 कितना, 2 6 12 2 7 14, तो 167 माइनस 1 करो तो 166 मिलता है मुझे, ठीक है। यहाँ पर भी 2 से डिवाइड करो तो 2 8 16, 2 3 6 माइनस 1 करो तो 82 मिलता है, या 82 2 से डिवाइड करो तो 2 4 8 एंड 2 1 2, तो 41 मिलता है, 41 माइनस 1 तो 40 मिलेगा। 40 को अगर मैं 2 से डिवाइड करूँ तो 20 मिलेगा, 20 माइनस 1 करो तो 19 मिलेगा, ठीक है। अगर मैं 19 को 2 से डिवाइड करूँ तो 2 9 18 एंड 2.5 मुझे कितना मिला, 9.5 मिला। 9.5 से अगर मैं 1 माइनस करूँ तो मुझे 8.5 मिलेगा, है कि नहीं। 9 2 18, 2 5 9.5, उसमें 1 माइनस करना तो 8.5। तो मेरा जो है इसका आगे वाला पैटर्न कितना मिला, 9.5 मिला, ठीक है। लेकिन हमें ये पैटर्न फाइंड करना है ना। अभी देखिए 334 को डबल करिए कितना मिलेगा, 2 4 2 3 6 2 3 6 6 6 8 मिलेगा, है कि नहीं। और 6 6 8 प्लस 1 करो तो 6 6 9 मिलेगा। ओके, तो मुझे जो है इस क्वेश्चन का आंसर कितना मिला, 6 6 9। अभी देख सकते हो आप लोग 6 6 9 को 2 से डिवाइड करके देख लो तो कितना मिलेगा, देखिए 2 3 6 2 3 6 2 4 8, ठीक है, 4 मिला, माइनस 1 करना है तो मुझे कितना मिलेगा, 330। जो भी आंसर मिलेगा वो सही मिल रहा है, ठीक है। चलते हैं अभी हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ,